बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान अदास। नाज़रीन, आपको बताएं, स्ट्रीट क्राइम से परेशान जिस तरह से हम देख रहे थे, वो सारी की सारी आवाम है। उस समय जाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा स्नैचिंग बढ़ चुकी है, जिस पे जो है डिगरा वज़ीरा आला हारिस नवाज साहब जो, उन्होंने कहा है कि जिस इलाके में भी ज़्यादा जो है क्राइम का इशू होगा, उस इलाके के SHO को उसकी ड्यूटी से हटा दिया जाएगा, उसके चार्ज से हटा दिया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि जिस तरह से तेज़ी से बढ़ती हुई वारदातें, शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पे जिस तरह से डिगरा वज़ीर आला ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये बहुत ही बेहतरीन है। और जो है इस तरह से हम देखेंगे कि, क्योंकि जाहिर सी बात है, अब क्राइम का जो रेशियो है वो कंट्रोल हो सकेगा या फिर वैसा ही रहेगा, क्योंकि जिस तरह से हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए और इस पर जो है मतलब गेस्ट भी यही कहते हैं हमारे, क्योंकि जाहिर जब बात होती है क्राइम से रिलेटेड, तो वो यही कहते हैं कि अगर एक इलाके में अगर जो है ज़्यादा क्राइम की वारदातें होती हैं, तो इसमें खुद का जो थानेदार है उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसके बगैर जो है इतनी ज़्यादा वारदातें होना नामुमकिन है। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको बताएं, जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईम साहब कराची से, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिस तरह पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर जो है कमी की जा रही है, लेकिन जो बिजली के प्राइसेस है उनके ऊपर भी कमी की जाए, क्योंकि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और महंगाई से जो है अब हमें हम सबको मिलकर निमटना होगा। तो इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद अपने मेहमानों के साथ हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक वाले गुफ्तगू, जिस तरह से मैंने अपने जिक्र किया इंट्रो में, स्ट्रीट क्राइम्स रिलेटेड जो है, जिस तरह से हमारे निगरा वज़ीर आला जो है हारिस नवाज साहब ने अच्छे इनिशिएटिव लिया है, अगर जिस इलाके में जो है ज़्यादा वारदातें होंगी या क्राइम का रेशो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, उस इलाके के SHO को उसकी जो है ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं MK पाकिस्तान से इब्राहिम अब्रू साहब। अक्षर अमदीद कहूँगे आपको प्रोग्राम में। इब्राहिम साहब, आपने सब भी सुना होगा जिस तरह हारिस नवाज साहब ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आप क्या समझते हैं, मतलब ये इस तरह के इनिशिएटिव से क्या SHOs और जो स्टैचर्स हैं क्राइम में कमी होती हुई नज़र आएगी? अब देखें, स्टेप तो बहुत अच्छा है, उन्होंने जो स्टेप लिया है अच्छा है। SHOs को जो है वो और बर्डन उनके ऊपर आ जाएगा कि वो जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। पूरे कराची में जो SHOs चेंज हुए हैं, अच्छी ये जो रिवायत डाली है, जो अभी नई गवर्नमेंट आई है और IG साहब ने, एडिशनल IG साहब ने जो अभी इनिशिएटिव लिया है वो बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। पुराने लोग बैठे थे थानों में, तो उनको सब पता था कहाँ से क्या चीज़ आ रही है, क्या चीज़ जा रही है, तो वो सिस्टम को सही नमूने से संभाल नहीं पा रहे थे। नए लोग आए हैं तो मौका उनको दिया जाए। बिल्कुल, काफी ज्यादा शिफ्टिंग हुई है, काफी ट्रांसफर पोस्टिंग वगैरह हुई है, तो खबरें भी यही हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अब चल रही हैं कि SHOs जो मुख्तलिफ थानों पे तैनात हैं, अच्छी जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट है उनकी क्राइम के हवाले से, जो स्ट्रीट क्राइम हो रहा है और जो दूसरा जिसकी भरमार है कराची में मावे गुटके की और मंशियात की, उसके ऊपर काफी सारा एक्शन हुआ है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जो मावा गुटके के जो से रिलेटेड जो केसेस आ रहे हैं, तो इसमें हमारी नौजवान नस्ल जो है उसी की बर्बादी और कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे समझ नहीं आता इनको अलाउ कौन करता है, ये बनते कहाँ पर हैं, बड़ी हैरत की बात होती है, ये मुझे समझ नहीं आता। जी जी बिल्कुल, मैं और SHOs इसके ऊपर क्यों नहीं जो है पहले एक्शन ले पा रहे थे, चलो अब अगर कर रहे हैं, लेकिन पहले भी तो चल रहा था ना। देखिए, उसका एक मकसद ये था कि जो इलाके के MNA MPA वडेरे वो उनकी सरपरस्ती करते थे क्राइम की मुख्तलिफ इलाकों में, सबका तो मैं नहीं कह सकता, जो जहाँ से मंशियात की जो है वो हैबिचुअल जो अफेंडर हैं, जो मंशियात के आदि हैं, जहाँ से मंशियात निकलती है, वहाँ बहुत सारी ये चीज़ें हुई थी पहले भी। वहाँ के लोगों के जो वडेरे हैं, जो सरपरस्त हैं, वो उनको थोड़ा सा जो है वो क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करते थे, तो इस वजह से अब ना MNA ना MPA थे, तो इस वजह से थोड़ा सा उनके ऊपर बर्डन आया है। SHOs अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, तो ऐसा होना चाहिए। माशरा तबाह हो रहा है मावे गुटके की वजह से, नई नस्ल जो है वो मंशियात की आदी हो चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है,
तो लोग नशे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और खुदकशियों की तरफ ज्यादा मायल हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो है, क्योंकि ये तो क्राइम से रिलेटेड था, लेकिन हमने जिस तरह से देखा हाफिज़ नईम जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईम रहमान साहब जो है, उन्होंने महंगाई के हवाले से भी जो है एक दफ़ा फिर से वो मैदान में कूद पड़े और कहते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस तो कम हो ही रहे, लेकिन इसके साथ सड़क इलेक्ट्रिक को भी, मतलब जो बिजली का माफिया है उसको भी लगाम दी जाए। आप क्या समझते हैं? अच्छी अच्छी बात है, चले ये तो करनी चाहिए, लेकिन क्या बिजली के प्राइसेस में कमी आ सकती है? देखें, बिजली की प्राइसेस में कमी तब आएगी जब यहाँ की माफियाज के ऊपर हाथ डलेगा, जो ज़खीरा अंदोज़ हैं। जैसे अभी नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है अच्छा, जिसमें डॉलर भी थोड़ा नीचे आया है और ज़खीरा अंदोज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। तो हाफिज़ नईम साहब की अगर बात की जाए, वो तो सिर्फ बैनर लगाने तक महदूद हैं। कराची में सही। हर जगह बैनर सिर्फ उन्हीं के लगे हुए हैं, काम तो बिल्कुल है नहीं। सिर्फ वो मीडिया पे, टॉक शोज और सोशल मीडिया पे वावेला मचाते हैं, लेकिन ग्राउंड पे कोई रियलिटी नहीं है उनकी। तो ठीक। कराची अगर तबाह है तो मैं समझता हूँ कि हाफिज़ नईम की वजह से तबाह है। हाफिज नईम साहब की वजह जी से? बिल्कुल, वो कैसे? वो ऐसे कि वो सिर्फ बातें करते हैं। अब उनको कराची के लोगों ने थोड़ा सा मैंडेट जो भी मिला उनको, लेकिन अभी तक वो डिलीवर नहीं कर पाए उस चीज़ में। क्या किस तरह से लेबर करें? वो जो कहते हैं अभी हमारे पास बलदियाती, इख्तियारात नहीं है, बजट्स नहीं दिए जा रहे, हम किस तरह से देखें लेबर कर सकते वही हैं? वही हम बात शुरू से यही करते आ रहे हैं। अख्तियार नहीं है तो भाई आप छोड़ दो ना, आप क्यों कर रहे हो? कोई ज़बरदस्ती तो नहीं है, रिज़ाइन कर दो, छोड़ दो कि भाई फंड नहीं मिल रहे, पैसे नहीं है, हम कैसे करेंगे। आवाम ने आपको चुना है, मुंतखब किया है, तो आप घर बैठ जाएं, फिर वावेला ना करें। ठीक। तो ये तो सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं, बाकी कोई इनकी सियासी सरगर्मी आवाम के लिए जो है वो कारामद नहीं है। अब बिल्कुल अबर साहब, लेकिन सवाल तो फिर सारी जमातों से ही बनता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले जो है सब अपने मंशूर, अपने प्रोग्राम्स लेकर तो आवाम के बीच में आ जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो मंशूर्स, वो प्रोग्राम्स जो हैं वो कहाँ चले जाते हैं? ये सिर्फ जो है लॉलीपॉप्स की हद तक होते हैं, सिर्फ जो है सुहाने ख्वाब की हद तक होते हैं, या फिर लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी नज़र नहीं आता? मतलब अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी की, जमात इस्लामी की, या फिर एमक्यूएम की, या दीगर जमातों की, तो सब जो है इलेक्शन से पहले जो है डोर टू डोर कैंपेन्स भी उनकी चल रही होती हैं, नुमाइंदे जो होते हैं, जो टिकट होल्डर्स होते हैं, उनको वो खुद जाके जो है अपने पब्लिक से मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद वो कॉल भी उठाना रिसीव नहीं करते, वो उस तरह प्रोग्राम्स और मंशूर क्यों नहीं होते सामने? देखिए, एम क्यू एम तो इस चीज़ में मशहूर है। एम क्यू एम ने हमेशा मिडल तबके को प्रमोट किया है, और आप बाकी पार्टियों को देखें फिर एम क्यू एम को देखें। एम क्यू एम का MNA, MPA, उसका चेयरमैन, उसका काउंसलर एक फ़ोन पे होता है, उसके घर तक रसाई सब लोगों की है, सब जा सकते हैं। मरकज़ पे रोज़ाना उनकी ड्यूटियां लगती हैं कि भाई आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के बीच में ही रहें। बिल्कुल तो सही। एम क्यू एम की तरफ से कभी भी नहीं, आप उनकी हिस्ट्री निकाल के देख लें कि एम क्यू एम जो है वो एक मिडल तबके की जमायत है और मिडल तबके को ही प्रमोट किया है उन्होंने। तो MNA MPS तक तो जो है वो आसानी से अपने मसाइल लेके आते हैं और मिल लेते हैं आके। ठीक है, प्रमोट करने एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद कराना एक अलग लेकिन चीज़ है। वो मतलब अगर आप किसी मिडिल मैं क्लास को आप जो है टिकट दे के असेंबली में बिठा रहे हैं, लेकिन उसको किस तरह से उससे काम लेना है, उसकी कारकर्दगी क्या है, उसके ऊपर सवालिया निशान होता है। और देखें, एम क्यू एम को जब भी मौका मिला है, एम क्यू एम ने डिलीवर किया है। अब भी जो कराची में देखें, PTI को हमारी सीटें जो है वो, हम तो यही कहेंगे, हमारी सीटें जो है वो छीन के किसी और के पलड़े में डाली गई, तो उन्होंने कराची के लिए कुछ भी नहीं किया। तो इंशाल्लाह वक्त बताएगा, आगे इलेक्शन आ रहे हैं तो हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम अपनी जितनी सीटें थी इंशाल्लाह वापस आएंगे और पीपल्स पार्टी को भी सरप्राइज़ देंगे इंशाल्लाह सिंध में हम। बिल्कुल, आप लोगों ने मेरे ख्याल से अपने नए ऑफिस का भी जो है इफ्तिताह कर लिया है, जी, और किमाड़ी या मारीपुर की तरफ, मेरे ख्याल से ये माड़ीपुर में कल मारी रात को जलसा भी हुआ था बिल्कुल वहाँ वहाँ पे, पे आप लोगों ने किया है, तो इलेक्शन की तैयारियां भरपूर चल रही हैं आप भरपूर लोगों की। तरीके से शुरू अच्छा, हो ये गई जो है। इलेक्शन, जो अब आने वाले इलेक्शन है, ज़ाहिर उसमें जो है क्योंकि ज़ाहिर बहुत ज़्यादा मुकाबला है, वही मैं बात कहूँगी फिर से प्रोग्राम्स और मंशूर को लेके जो है कोई आगे इसके ऊपर वो नहीं सोचा जाता है। ये जो आजकल की जो सियासत है, ये जो सियासत है, अब जो हुकूमत नहीं आएगी तो ये जो हुकूमत है इख्तलाफात और जो है आगे बढ़ने की रेस में लगे हुए होते हैं कि बस मैं जीत जाऊँ, बस आवाम का कुछ हो या ना हो, तो ये भी इसी तरह से होने जा रहा है या फिर इसके ऊपर कुछ बेहतरी की तरफ हम जाएंगे अगर इलेक्शन में कामयाब हो जाते हैं आप लोग? तो देखिए, हर पार्टी को जो है वो अपने मंशूर के तहत लोगों की तरफ मायल होते हैं, लोगों की तरफ जाते हैं अपनी अपनी मैंडेट लेके।
आम आदमी जो है वो उनको मैंडेट देते हैं, उसके बाद जो है वो डिलीवर करने के लिए असेंबलियों में आते हैं। हम भी अपना मंशूर, अपनी सारी चीज़ें अवाम के सामने रखेंगे, तो अवाम इंशाल्लाह हमें ही जो है वो कराची से लेके कश्मोर तक इंशाल्लाह MQM की जीत होगी, और पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में, मेरे ख्याल में, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसको हम सरप्राइज़ अच्छा देंगे, सिंध में, पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध में भी, और कराची से लेके कश्मीर तक इंशाल्लाह। पार्टी तो बहुत दावे करती हुई नजर आ रही है, वो तो कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी से कराएं, हम तो तैयार हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, और इंशाल्लाह ना सिर्फ सिंध बल्कि पूरा पाकिस्तान हमारा होगा। वो तो वक्त बताएगा, इलेक्शन में आए, इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, हर कोई, हर पार्टी इलेक्शन में जा रही है और आवाम के पास जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं, हमने भी सारी चीज़ें कर ली हैं। रात भी हमारा बल्कि जलसा था, पीपल्स पार्टी तो ये पहली भी तारीख को भी हमारा पीपल्स जलसा है पार्टी तो ये भी मनेर में। इल्ज़ाम लगाती है कि अभी जो गवर्नर हैं वो भी बीच में किरदार अपने अदा कर रहे हैं, वो सियासी गवर्नर बने हुए हैं, वो कोई न्यूट्रल गवर्नर नहीं रहे, वो सियासी गवर्नर बने हैं, वो इन लोगों का जो है रास्ता क्लियर करने में जो अपना किरदार अहम अदा कर रहे हैं। और देखें, ये तो सारी बातें बाद में होती हैं, जब आप हुकूमत में थे तो उस वक्त तो कोई ऐसी बात नहीं की थी, हुकूमत से निकल के ये सारी चीज़ें, ये तो बेमानी हो जाती हैं, फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। इल्ज़ाम तो सबके ऊपर लगते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में कोई चीज़ नहीं होती उसके, मतलब ऐसी इस बात में ऐसी कोई कोई हकीकत बात नहीं नहीं। है। अच्छा, लेकिन जो आपने भी कहा कि हम अंदरून सिंध भी जो है वहाँ पे भी हमारी भरपूर तैयारियाँ चल रही हैं, तो सिंध से MQM के लिए वोट जीतना बहुत बड़ा टास्क है, आप समझते हैं क्या MQM जो है अंदरून सिंध से जो है अपनी सीट निकाल पाएगी? और देखें, शहरी इलाके जो हैं वो तकरीबन इंशाल्लाह MQM ही जीतेगी, जैसे कराची हो गया, हैदराबाद हो गया, नवाबशाह, सक्कर और लाड़काना, लाड़काना में भी टफ टाइम देंगे हम इंशाल्लाह, आप इतने लेकिन दावे जो से बात कैसे कह सकते हैं, मीरपुर आप मतलब ये खास वही वाला तो नहीं, सिलेक्टेड वाला तो सीन नहीं नहीं, होने वाला है? सिलेक्टेड अवाम मुंतखब करेगी इसमें, सिलेक्टेड का तो अवाम सिलेक्ट करेगी, और कोई सिलेक्ट नहीं करेगा, ये जो है वो आवाम के हाथ में, आवाम सेलेक्ट करेगी, और शहरी इलाके इंशाल्लाह तकरीबन हम ले लेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कराची समेत। जी, आवाम भरपूर तरीके से मैंडेट देगी MQM को। अच्छा, मतलब जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि आप लोग जितने यकीन से ये बात कह रहे हैं तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह से हमने लास्ट वो उसमें देखा बलदियात में आप लोगों ने बायकॉट कर दिया था, मतलब उस तरह से आप लोगों की तैयारी नहीं थी, जो आप लोगों के मुतालबात थे वो पूरे नहीं हुए हुए थे। तो अगर जनरल इलेक्शन की हम बात करते हैं तो उसमें तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा और ज़्यादा टफ टाइम आप लोगों को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से PTI भी होगी और फिर नून लीग भी होगी और फिर पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी खुद, तो वो कहते हैं कि जमात इस्लामी की भी अगर बात करते हैं, जमात इस्लामी कहते हैं MQM तो एक इलाकाई जमात है, मतलब उसको जीतना नामुमकिन है, और आप देखिएगा इस बार भी हम जो है कराची में क्लीन स्वीप करेंगे। देखें, जमायत इस्लामी की जहाँ तक बात है, जमायत हमने तो जब बायकॉट किया, हमारी वजह से ही जो है वो जमायत आगे आई है, नहीं तो एक वोट भी उसको नहीं पड़ता, जमायत को एक काउंसलर तक नहीं आता, अच्छा, ये तो हमारी मरूने मिन्नत ये आए हैं, जमात जमात सही। मरूने मिन्नत आए हैं बल्दियात में, और जो हमने बायकॉट किया, देखें उसमें 50 से ज़्यादा यूनियन काउंसिल्स हमने वो कराई हैं, जैसे ये नई मर्दमशुमारी हुई, हम इसी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे थे, हाईलाइट कर रहे थे इस चीज़ों को, ताकि यहाँ की जो शहरी आबादी है वो तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, और सीटें भी उस हिसाब से होनी चाहिए। अब चूंकि मर्दमशुमारी हो चुकी है, जैसे ये इलेक्शन हो गया बलदियाती, उसमें 50 से ज़्यादा सीटें जो है वो बाद में हाईलाइट हुई है, और उसने, इलेक्शन कमीशन ने 50 सीटें निकाली हैं कि भाई 50 सीटें जो है वो कराची में ज़्यादा हो रही हैं यूनियन काउंसिल की। सही। तो अब मर्दमशुमारी के हवाले से भी तकरीबन 90 लाख आबादी, हमने काफ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस पे सेमिनार किए, मुख्तलिफ पार्टियों से हम मिले और इस चीज़ को हाईलाइट किया, तब जाके हमने बरामद कराया है, 90 लाख लोगों को बरामद कराया है, हमने अच्छा, एड कराया है इस चीज़ में, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो अभी इलेक्शन आ रहे हैं, ये अभी मर्दमशुमारी जो हुई है उस तहत होने चाहिए। बहुत जाहिर बात है, एक्साइटेड। जो मर्दमशुमारी हुई है उसी वजह से हुई है कि आप इलेक्शन इस उसमें करवाएं, जो मर्दमशुमारी हुई उसको एक्सेप्ट किया वजीर आजम साहब ने भी, जी और उसके बाद जो है इलेक्शन इसी मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए, हमारा मौकफ शुरू दिन से यही है।
ताकि ये जो 90 लाख लोग बरामद हुए कराची से, कराची की आबादी में इजाफा करवाया है, जी, वो तो हमने ही करवाया है। लेकिन अभी भी प्रॉपर जो है आबादी काउंट नहीं की गई है, मतलब कुछ परसेंट आप लोगों की जो काबिश है उसके बाद, जिस तरह से हमने देखा कि थोड़ी बहुत जो है कराची की आवाम को जो है वो मतलब बरामद बकौल आपके करा लिया गया है, लेकिन जो अभी और भी बहुत सारे आवाम है जो अभी तक गिनती में है ही नहीं कि ये भी कराची के शहरी हैं। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारी कोशिशों से ही ये सारी चीज़ें हुई है ना। 90 लाख से ज़्यादा जो है वो लोग हमने बरामद करा लिए इस मरदमशुमारी में, और हमारी कोशिश और इस पे चल रही है ताकि जो है वो 3 करोड़ से अबव है, कराची की आबादी 3 करोड़ से अबव है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अभी 90 लाख से ज़्यादा जो आबादी इन्होंने शो की है मरदमशुमारी में, तो उसके तहत इलेक्शन होने चाहिए। और हम इस बलदियात के इलेक्शन को भी नहीं मानते, हमने इसीलिए बाइकआउट किया था कि यहाँ की आबादी कम गिनी गई है, यहाँ के लोगों का इस्तेहसाल हो रहा है। अगर आप हमें नहीं गिनेंगे तो हमारे हिस्से का पानी, हमारे हिस्से की नौकरी, हमारे हिस्से की सारी चीज़ें वो कौन मुहैया करेगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा फिर साहब बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक्स वाले गुफ्तगू हुई थी इलेक्शन के हवाले से। अब्दुल साहब आप गुफ्तगू हुए थे इलेक्शन से रिलेटेड, जिस तरह से आपने बताया कि भरपूर तरीके से तैयार है हम कर रहे हैं, मैंने भी यही जिक्र किया कि अगर MQM जो है वो भरपूर तरीके से तैयार है खरी है, लेकिन मैदान में और भी जो है पार्टी जो है वो कूदी हुई और बहुत ही अच्छे तरीके से अपना इलेक्शन की कैंपेन चलाना स्टार्ट करती हैं। अभी से अगर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी ने भी जो है अभी से अपनी इलेक्शन की मुहिम का आगाज़ कर दिया है। तो आप लोगों की तरफ से अभी उस तरह से नहीं नज़र आ पा रहा है, मतलब कल आप लोगों ने भी इफ्तिताह किया है, लेकिन अभी प्रॉपर वो इलेक्शन की आप लोगों ने मुहिम का आगाज़ नहीं किया। देखें हमारे 5 कैंडिडेट जो है वो MLA के अनाउंस हो चुके हैं, तो उन्होंने अच्छा अपने इलाकों में वर्क शुरू कर दिया कौन है। कौन? मुस्तफ़ा कमाल भाई हैं, ठीक हाफिजुद्दीन भाई हैं, हुमायूं उस्मान भाई हैं सही। और इकबाल मसूद भाई हैं। इन्होंने जो है वो अपने इलाकों में काम करना शुरू कर दिया है, सही ठीक है। और उसके बाद जो है रात हमने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह करके एक बड़ा जलसा किया माड़ीपुर में, वहाँ के लोगों ने बड़ी पजीराई दी और वेलकम किया MQM को दोबारा से। और 1 तारीख को मलीर टाउन का एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, सही तो MQM जो है वो पहले दिन से आवाम के बीच में मौजूद है, और रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे जनरल वर्कर इजलास हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, अवामी नुमाइंदे जो है हमारे पार्टी के जिम्मेदारान वो आवाम के बीच मौजूद हैं। रोज़ाना ठीक कोई ना कोई किसी न किसी जगह पे कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम ज़रूर होता है, तो रब्ता ठीक कमेटी रोज़ाना किसी काम में लगी हुई होती है। ठीक है। अच्छा अब्दुल साहब आप लोग आपने अभी जैसे MNAs की लिस्ट तो बता दी है, तो MPS के लिए अभी कोई नाम फाइनल नहीं किया गया? MPS के लिए अभी नाम फाइनल नहीं हुए हैं, खाली जो है वो सिर्फ NA के कैंडिडेट उन्होंने फाइनल किए हैं। 5 कैंडिडेट्स सामने जी कर जी लिए। माड़ीपुर से एक फयाज भाई हैं हमारे, फयाज वो कायम खानी नहीं फयाज भाई हैं वो उस पर MPA के टिकट पे लड़ेंगे, अच्छा सही सिर्फ उसका अनाउंस किया है, बाकी किसी भी MPA का अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ, ठीक है सिर्फ NA के हुए हैं। ठीक है। बिल्कुल हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पेपर पर भी जाते हैं, क्योंकि जमात इस्लामी से हमारे साथ असदुल्ला भुट्टो साहब जो हैं वो लाइन पर मौजूद हैं। असदुल्ला भुट्टो साहब बात हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड, MQM कहती है कि इस बार भी हम लोग जनरल इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे, बल्कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा अंदरून सिंध भी जो है वो हम हमारे पास ही होगा। तो आप क्या समझते हैं? हेलो आवाज नहीं आ रही है। जी, आप अब आ रही है, आप कहिए। नहीं आ रही है। असद साहब आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ टेक्निकल इशू की वजह से जो है लाइन प्रॉपर उनको नहीं मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है।
जिस तरह से हम बात करें इलेक्शन से हवाले, लेकिन बात जो है महंगाई की तरफ भी हम थोड़ी बहुत लेके हम टॉपिक को चलते हैं, लेकिन दोबारा से मैं चाहूँगी कि उनको जो है लाइन पे लिया जाए और उनसे जो है बात की जाए इलेक्शन से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरह सारी ही पार्टी जो है इलेक्शन की तैयारियाँ जो है वो भरपूर तरीके से कर रही हैं। MQM ने भी कल रात जिस तरह से जो है अपना एक ऑफिस का अफ्तिताह किया माणिपुर में, और इसके अलावा उन्होंने एक काफ़ी बड़े पैमाने पर वहाँ पर जलसा भी किया था और आइंदा भी अभी करने जा रहे हैं। मैंने इसकी जो है लिस्ट अभी उन्होंने बता दी है कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं NA के लिए, बाकी MP के लिए अभी फाइनलाइज्ड होगा आहिस्ता आहिस्ता करके, तो वो भी खैर सामने आ ही जाएगा। हफीजुद्दीन साहब हमारे साथ जमात इस्लामी से लाइन पे मौजूद है। सर आप लोग बताएं, आप लोग किस तरह से इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं? जी हफीज साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हफीज साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? असद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ठीक है, मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से नहीं जा पा रही है। अब्र साहब, मेरा तो उनसे खैर इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, आप क्या समझते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान जब वोट कास्ट करता है और उसकी यही जाहिर सी बात है डिमांड होती है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी अगर वोट कास्ट करने के लिए जाऊँगी तो मैं यही उस बंदे को मुंतखब करूँगी जो हमारे लिए कुछ कर सके। तो आप लोग, दायरे इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है, आप लोगों ने आवाम को अब नए क्या ख्वाब दिखाएं, क्या करेंगे आगे, किस तरह से इलेक्शन के बाद जो है आवाम का दिल जीत पाएंगे, या फिर उसी तरह से जो पुराने तरीके से जो ख्वाब दिखा के उसको तोड़ देना वही वाला सिस्टम चलता रहेगा? और देखें, MQM मैंने पहले भी कहा कि मिडिल तबके की जमायत है, आवाम के बीचों बीच हम रहते हैं और आवाम के मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं इस चीज़ को। महंगाई बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल तौर पे महंगाई का बड़ा जो तूफ़ान आया हुआ है, पहले तो मार्केट में, आलमी मार्केट में तेल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, फिर यहाँ का डॉलर जो है वो काफ़ी ऊंची उड़ान उड़ गया था, अब डॉलर थोड़ा कंट्रोल हो रहा है, बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन आवाम जो है वो इस चीज़ को समझती है कि अवाम के फ़ायदे के लिए कौन से लोग काम कर रहे हैं। अब देखें आप, पीपल्स पार्टी को, आपको सिंध की मैं हालत बताऊं कि पीपल्स पार्टी को लोगों ने मैंडेट दिया, सिंध के लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने एक टके का काम नहीं किया अपने इलाकों में। अब बिलावल भुट्टो जरदारी आप देखें, दो तीन जलसे नवाबशाह में, सक्खर में और मीरपुर खास जैसे ये गए हैं, वहाँ पे आम आदमी, आम लोग वहाँ सड़कों पे निकल के एहतजाज किया उनके खिलाफ, नारेबाजी की, तो जब जलसे के लिए वहाँ पे वो गए। जी जी सही। तो ये सोशल मीडिया पे तो बहुत चला, किसी चैनल ने नहीं चलाया इसको। तो उसमें ये हुआ कि बिलावल के जो गार्ड थे प्राइवेट, उन्होंने आम लोगों को, आम आवाम को मारना पीटना शुरू किया, उनको जदोकोब किया, और वो सोशल मीडिया पे वीडियोस मौजूद हैं। लोग इन इनसे तंग हैं, इनसे बेजार हो चुके हैं, क्योंकि जब ये वहाँ से जीते हैं, MNA हो या MPA हो, वो अपने इलाके छोड़ देते हैं, इलाकों में नहीं रहते, वो कराची के डिफेंस में, पोश इलाके में, वहाँ अपनी जो है वो रिहाइश अख्तियार कर लेते हैं, 5 दिन यहाँ तो 10 दिन बाहर होते हैं, तो अपने इलाके में नहीं जाते। अपने इलाके में तब जाते हैं जब इलेक्शन नज़दीक आएगा और कोई खुशी कोई गम का मौसम होगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे। बिल्कुल, जैसे ईद बकरीद हमें यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे नजर नहीं आते, बल्कि जो कराची से भी मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो भी नहीं नजर आते हमें, यहाँ पे भी अफसोस का अलमिया ये है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। पीपल्स पार्टी को तो हमने देख लिया इस चीज के लिए कि आवाम अब इनको बता देगी कि जो है वो अब सिंध में इनकी जगह नहीं है पीपल्स पार्टी की। ठीक है, बिल्कुल लाइट पे दोबारा से एक बार हमने फिर से जो है असदुल्लाह भुट्टो साहब को लिया। सर इस बार आपको मेरी आवाज़ आ रही है? असद साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, मेरे ख्याल से फिर से इस बार लाइन डिसकनेक्ट हो चुकी है, कुछ टेक्निकल इशू है या उनकी तरफ से जो है नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, तो बात नहीं हो पा रही है उनसे। हम आपस में कंटिन्यू करते हैं। सर महंगाई से आवाम बहुत परेशान है, देखें महंगाई का क्या हल होगा, महंगाई का क्या तोड़ होगा, ये जो महंगाई का जिन्हें बेकाबू हो चुका है, मतलब जो हम बात पहले करते हैं लोअर मिडिल क्लास की, अब मिडिल क्लास तबका भी जो है ना बहुत ज्यादा परेशान है, मतलब
यहाँ पे मिडिल क्लास लोग भी जो है ना अब सोचने में मजबूर हो चुके हैं कि क्या हम अपने एक्स्ट्रा कपड़े भी बना लें, क्या हम एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक्स खरीद लें. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल है. जी बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है. लेकिन एक मुंतखब हुकूमत आएगी, वो कंट्रोल करेगी इसके ऊपर. हमें आवाम ने इंशाल्लाह मैंडेट दिया, हमने पहले भी कहा है, मुस्तफ़ा कमाल भाई ने और हमारे जो कन्वीनर हैं खालिद मकबूल भाई ने, बबंग दौल उसने उन्होंने अपने मीडिया टॉक शोज़ में और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये कहा है कि सिर्फ कराची को आप अख्तियारात दे दो ताकि ये पूरा पाकिस्तान कराची पालेगा. सही. आपका जितना भी कर्जा है जो IMF से लिया है आपने, वो कराची की जो रेवेन्यू इंजन है कराची, वही इसको पूरा कर लेगा. अच्छा. आपको IMF के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो सर अगर इतने अच्छे अच्छे आप लोगों के पास मशवरे थे तो आप पिछली हुकूमतों को दे देते ना, क्यों हमें IMF के पास जाना पड़ा? उनको भी पहले, क्योंकि आप लोग तो हुकूमतों का हिस्सा रह चुके हैं, पहले भी काफी टाइम से यही कहते आ रहे हैं. वजीर आजम को कहा और सदर पाकिस्तान को ये सारी चीजों का इल्म है कि कराची जो है वो रेवेन्यू इंजन है पाकिस्तान का. कराची बंद होता है तो पूरा पाकिस्तान बंद होता है. कराची को अख्तियारात दें, यहाँ के मुंतखब लोगों को मुंतखब करें, जो यहाँ के जो है वो सियासी करता धरता है, यहाँ के लोगों को अख्तियारात दें, वसाइल दें और मैंडेट दें ताकि ये कराची पूरे पाकिस्तान को पालेगा और जितना भी बिल्कुल मुआशी हब है पाकिस्तान का. आप इनको अख्तियारात दें और वसाइल दें, आप देखें कैसे पाकिस्तान तरक्की करता है, कराची कैसे तरक्की करता है. दुनिया के टॉप लेवल पे मुस्तफ़ा कमाल जब मेयर था तो पूरे दुनिया में वर्ल्ड लेवल पे तीसरा नंबर था पाकिस्तान का. अब रिहाइश के हिसाब से 12वें नंबर पे है कराची. और अगर हम जो है आलूदगी के हिसाब से बात करें तो कराची इस वक्त जो है आलूदा शहर जो है उसमें शहरों में जो मतलब शहरों में जो है काफी मतलब अब टॉप लिस्ट पर आ चुका है. मतलब यहाँ का जो इसका उन्होंने रिकॉर्ड किया है आलूदगी के हिसाब से तो 167 जो है इसका रिकॉर्ड किया गया है. लाहौर जो है वो दूसरा नंबर पे आया, कराची पहले नंबर पे आ चुका है आलूदगी में. मतलब अब ये जो है सूरत हाल हो चुकी है, मतलब सुबह उठ के आप सांस नहीं ले सकते, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है क्योंकि जाहिर सी बात है पॉल्यूशन इस कदर बढ़ चुका है. क्या करें हम, ये सिचुएशन हो चुकी है जो कराची सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है. यहाँ की सड़कों का हाल देखें, आवाम भी यहाँ पर टैक्सेस दे दे के थक चुकी है लेकिन किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है. चले आप कम से कम यहाँ पे अच्छे रोड्स बना दें, वो भी कुछ नहीं है. मतलब महंगाई तो है लेकिन इसके अलावा कोई और सहूलियात भी नहीं है. यहाँ पे नलकों में पानी नहीं आता, ग्रीनरीज नहीं है, यहाँ पे ग्रीनरी नहीं है. मतलब हम ये चाहते हैं, देखिए MQM का शुरू दिन से ये बात सामने रखी है कि आप ये जो पानी नलकों में आ रहा है इसके आप लोगों ने ठेके लिए हैं MNS को, MPS को, इलाके के वडेरों को, वो हाइड्रेंट बना के वहां से जो है वो पूरे कराची को वही उनका पानी उनको पैसों से दे रहे हैं. मुस्तफ़ा कमाल ने और खालिद मकबूल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और असेंबली में ये सारी चीजें कही हैं कि भाई आप ये इस चीज को बंद करें और ये चीजें बंद नहीं हो रही. लेकिन अभी साहब जो है वो इसके ऊपर तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काफी हाइड्रेंट्स बंद करवा दिए उन्होंने. अभी मुस्तफा कमाल ने जब इस बात पे जोर दिया था क्योंकि वो काफी टाइम से इस बात पे जोर दे रहे थे ताकि इस पे कोई अमल हो. अब चूंकि आपने जैसा कहा कि थोड़ा सा अमल होना शुरू हुआ है, कुछ हाइड्रेंट बंद हुए हैं क्योंकि माफिया इतना ताकतवर है कि कोई इनको कुछ बिगाड़ नहीं सकता. तो उसके लिए हम तो ये चाहेंगे कि उनके खिलाफ एक्शन हो और जो है वो आम लोगों तक जो उनकी लाइनों में पानी आता है वो उन तक पहुंचे और हाइड्रेंट ये बंद हो तो आम आदमी तक ये पानी बआसानी पहुंच जाएगा. अभी भी काफी इलाके ऐसे हैं, मैं बल्दिया की बात कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल उसी हल्के से खड़े हो रहे हैं मुस्तफ़ा भाई. तो वहाँ जब हम वर्क कर रहे थे मुस्तफ़ा भाई की, आप यकीन जाने बार पहले भी मुस्तफ़ा कमाल साहब ने वहाँ से मतलब इलेक्शन लड़ा था. जी हाँ जी हाँ, अभी उसी हलके से लड़ रहे हैं. और मैं आपको एक बात बताऊं, वहाँ जब वर्क किया हमने तो वहाँ पे लोगों ने कहा कि 8 महीने में सिर्फ 2 घंटे पानी आता है हमारे पास. 8 महीने में सिर्फ 2 घंटे पानी आता है. अच्छा, बाकी सब परचेज करके इस्तेमाल कर, बाकी सारी वहाँ पे परचेजिंग हो रही है. ये जो अपने टैंकर माफिया वहाँ पे मजबूत है और वो टैंकरों के जरिए वहाँ इलाकों में पानी पहुँचाते हैं.
तो आप इस चीज को जरा देखें कि किस हद तक ये माफिया शाई हुई पूरे कराची में। इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये दौर था, पीपल्स पार्टी के ये सारे लोग थे जिनके ऊपर हाइड्रेंट बना के इन्होंने अपने लोग बिठाए हुए हैं और माफिया बिठाया हुआ है, और इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो पहले दिन से हम ये इस चीज़ के खिलाफ हैं। और जहाँ तक जो है वो आपने बात की, देखें मुस्तफा कमाल के दौर में जो एमक्यूएम का दौर था, तो पाकिस्तान का जो कराची शहर है वो तीसरे नंबर पे था पूरी दुनिया में आलूदगी में, अच्छे अच्छी कारकर्दगी कारकर्दगी में। में। सही, ठीक है, ओके। तो मैं अब क्योंकि एक मैं सर्वे आलूदगी के वाले रिपोर्ट से मैं है, बता रही थी। अब एक सर्वे सही। रिपोर्ट है कि कराची का जो शहर है दुनिया के 12 नंबर तेजी से गिरती हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि रिहायश के काबिल नहीं, 12वें नंबर पे है, कि ये कराची काबिल नहीं है रहने के लिए। इतनी आलूदगी और दूसरी चीजें हैं। देखें इसके पीछे कौन है, कौन से मकासद हैं, कौन लोग हैं ये जो इनके पीछे मकासद हासिल करना चाह रहे हैं। तो हमारा पहले दिन से ये मैंडेट रहा है कि कराची के लोगों को आप आगे लेके आएं, उनको मुंतखब करें। आप देखें पूरा किस पाकिस्तान को तरह से कराची अभी ये चलाएगा। है, मतलब आप देखें पूरे पाकिस्तान में, अभी आप लोगों की पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी पाकिस्तान जॉब्स में आई हुई थी, कराची की लियाकत आवाम कराची के लड़के आबाद डिग्री लिए मार्किट। फिरते हैं, लेकिन एमक्यूएम ने नहीं उनको मौका देखें दिया। कराची के सर लोग देखिए, अगर टेक बात आ हो रही है बतौर, अगर पार्टीज को अगर हम तनकीद कर रहे हैं, तो आप लोगों को खुद भी इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए था। जब आपके उसमें पोर्ट एंड शिपिंग में भी आप लोगों की जाहिर सी बात है वहां पे था, तो वहां पे आप लोगों ने नहीं देखे लोगों को वहां पर भी एडजस्ट आवाज किया। उठाई, वहां पर भी आवाज उठाई। आप असेंबली में तकरीर नहीं हमारी उठा के देख लें, वहां पर भी हमने ये कहा है, वजीर आजम को कहा है, असेंबली में कहा है, फ्लोर पे कहा है। और अच्छा, कराची का जो लियाकताबाद मार्केट है वो पूरे पाकिस्तान में टॉप लेवल पे टैक्स देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। लियाकताबाद इस मार्केट बात से सिर्फ। दो राय नहीं है, क्योंकि कराची का जो सेंट्रल है उसकी जो लियाकताबाद मार्केट है, जितना वो टैक्स देता है उतना पूरा लाहौर टैक्स देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जी, तो वो बताओ, इस बात से दो राय नहीं है, कराची सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला शहर है, कराची सबसे ज्यादा बिजनेस जनरेट करने वाला शहर है, लेकिन फिर भी उसके साथ सौतेली माँ वाला सलूक किया जाता है। इसलिए मुझे बहुत अफसोस होता है कि मतलब कराची में रहने वाले कराची वालों का कसूर क्या है, जब इतना सब कुछ कर रहे हैं। जो एमकेएम जमात है, कराची की जमात है, कराची से ही बनी वो जमात है, लेकिन उसके बावजूद भी कराची की आवाम के लिए उस तरह से कोई उनकी कारकर्दगी नहीं नजर आई है, जब तक जबकि आप लोग दो हुकूमतों में साथ रहे। देखें साथ रहना एक और अलग बात होती है, और एक मुल्क का वजीर आजम, एक बड़ी पार्टी का जो वजीर आजम बनता है, जाहिर बात है सदर भी उस चीज़ का, उस पार्टी का ही आता है। तो हमने हर फ्लोर पे ये बात कही ताकि कराची के लोगों के मसाइल हल हों। हम आवाज़ उठाते रहे हैं कराची के लोगों के लिए और हैदराबाद के शहरी इलाकों के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं। ठीक है देखें हमने पीपल्स पार्टी जो है वो जी, 2300 अरब रुपए 15 सालों में मिले हैं, 2300 अरब रुपए पीपल्स पार्टी को मिले हैं कि सिंध सिंध के लिए। तो उन्होंने क्या एनएफसी के किया, मद में। एनएफसी की मद में वफाक ने दिए हैं, और ठीक, पीएफसी की वो एक तो मद में मानते जो ही है नहीं है, वो, पीपल्स पार्टी मानती है कि हमें कहाँ मिले। अब इसमें वो आप कहते हैं कि देखें हमें ये 2300 जो के अरब फोर मंसूबा है उसकी मद में मिले थे, बाकी और दीगे मंसूबों अगर की मद में छह पैसे दफा मिले थे, भी ये वो जो सिंध एडजस्ट बन हो जाता चुके तो हैं। और पैसे बच जाते, पेरिस हो जाता। पैसे कहाँ गए? अब सोशल मीडिया में देखें पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर, खरबों रुपए उनके तहखानों से निकल रहे वो हैं। कहते हैं सारी जो यूट्यूबर्स हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है, अगर है तो फिर आप आके कोर्ट में हमें चैलेंज करें। वो तो इतना दावा करते हैं पीपल्स पार्टी। मैं आपके मीडिया के थ्रू एक और बात कहूँ, ये बिल्कुल वसूख से कह रहा हूँ मैं। एक इनके एमपी हैं ठट्ठे के, ये अभी 4 दिन पहले मुझे पता चला, वहाँ के एक उसके घर के बंदे ने कहा कि मैं कुरान पे हाथ रख के ये कसम घर के खाता बंदे हूँ, ने घर के बंदे ने, कि दो मजदा पैसों की भरी हुई दादू लेके गए हैं वहां केलों के बाग में, उनको वहां डम करके जलाया गया है, पैसे जला दिए, पैसे जला दिए। यहाँ पे इतनी गुर्बत है और वहां पे उन्होंने दो मजदा जो है पैसे लेके जला दिए। ये आवाम के पैसे ना, आवाम के टैक्स से जो आवाम के जलाया जा रहे पैसे, हैं, टैक्सों के तो उनके पास पैसे। कोई जो कोई फुटेज, कोई वीडियो वगैरह है? कोई अगर वीडियो ऐसा नहीं, है, अगर और क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात है, और अगर इस तरह से आप मीडिया पे आके दावा करके ही बात बोल रहे कि उनके अपने घर के बंदे ने जो है ये बात बताई, और इतने श्योर हैं कि उन्होंने जलाई बिल्कुल है, बड़े वसूख से कह रहा अगर हूं आपको। अगर उनके पास कोई फुटेज है तो आप बताएं, बिल्कुल हम इस पर एक्सक्लूसिव जो है वो न्यूज चलाएंगे, अब ब्रेकिंग कौन देंगे। अगर ऐसा उसको कौन जो है है वो वो शख्स, कौन नाम क्या है फोटेज उनका, फोटेज एमपी है एमपीए थे, अब लाड़काना, तो नहीं है सॉरी एमपीए थे, हाँ बिल्कुल ठट्ठे के, ठीक है
ठठा साइड के। तो नाम क्या है उनका? नाम प्रोग्राम चल रहा नहीं, प्रोग्राम तो ऑन एयर है हमारा, बस आप मुझे नाम बता दें फिर क्लोजिंग करेंगे खत्म। हम। बस है एमपीए है चलिए ठीक है, क्या जब आगे एमपीए प्रूफ हाजिर, हम था। इसके ऊपर एक अलग सा प्रोग्राम करेंगे। मैं अब आपका बिल्कुल काम है इसके डिटेल ऊपर, के साथ आऊंगा आप जिन्हें प्रोग्राम में, प्रूफ कलेक्ट करेंगे फिर आप मुझे बिल्कुल डिटेल बताइएगा। के ठीक है, साथ बहुत आऊंगा शुक्रिया उसमें। आपका भरोसा, आपने टाइम दिया, उम्मीद करती हूँ मेरी नाजिन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेजबान ने दास इजाजत, मुझे मेरे मेहमान को मेरी टीम को दामे याद रखे। अल्लाह हाफिज़।